मैंने एक स्टेप जो ली जिंदगी में खुद के लिए जीने की, वो थोड़े साल के बाद क्या हो, लेकिन दैट इज नाउ गिविंग मी सेटिस्फैक्शन। हाय, आई एम संजीव सत्यविजय धुरी, आई एम एन एक्टर नाउ। स्टार्टेड माई थिएटर एक्टिविटीज फ्रॉम व्हेन आई वॉज इन फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड दैट टाइम। एंड यस, तभी से वो जो मज़ा लेना होता है, वो जो कीड़ा रहता है थिएटर का, वो घुसने लगा अंदर। स्टेज नहीं छोड़ा जिंदगी भर, जो अभी भी नहीं छोड़ रहा हूँ। और कॉलेज में अच्छा मौका मिला डांस का, थिएटर का, एक बड़ा बड़ा स्टेज मिला वहाँ पे। कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेजिएट म्यूजिक डांस कॉम्पिटिशन्स, यूथ फेस्टिवल्स, एवरीथिंग, एंड आई एन्जॉयड कॉलेज देयर। लेटर ऑन शादी हुई, इट वॉज अ लव मैरिज। माई वाइफ स्वरूपा अर्लियर वॉज वनीता इन कॉलेज, शी टोल्ड मी दैट टाइम कि संजीव यू लाइक थिएटर, यू लाइक टू डू दैट, डू योर करियर इन दैट, आई विल हैंडल द हाउस। शी वॉज वर्किंग, लेकिन एक प्रेशर रहता है घर वालों का कि नहीं, मेरा बेटा पढ़ लिख कर थोड़ा काम करे, एक जॉब करे 9 to 6। तो उनका वो प्रेशर था कि जॉब कर बेटा और उसके बाद तू कुछ भी कर। तो फिर उधर से एक दूसरा सिलसिला चालू हो गया कि अभी कल या शूट है, परसों शूट है, तो जॉब में थोड़ा थोड़ा थिएटर उधर भी यूज़ होता था, थोड़ी एक्टिंग स्किल्स वहाँ पे, कि घर पे कोई बीमार है, बाजू वाला मर गया, बाजू वाला बीमार है, ये रीज़न देने पड़ते थे। लेकिन एक जॉब ऐसा था जिसमें मुझे ये सब करने को मिल रहा था जॉब करते करते, और वो भी जॉब में ही। दैट वॉज मैस्टेक, मैस्टेक लिमिटेड, इट वॉज़ अ आई टी फर्म, और मैं वहाँ पे बैक ऑफिस में ज्वाइन हो गया। वहाँ पे इवेंट्स होते थे, वहाँ पे फिर मैं प्लेस करता रहा, यानी छोटे छोटे प्लेस करता रहा, या डांस करता रहा बहुत। आई वॉज पैशनेट अबाउट डांसिंग ऑल्सो, फोक डांस बहुत अच्छी तरह से करता था, तो पीपल यूज़ टू एन्जॉय दैट, पीपल यूज़ टू गिव मी, यू नो, एक कॉम्प्लीमेंट होती थी कि तू गलत जगह पे है। मैस्टेक में वो इवेंट्स कम हो गए ड्यू टू सम एनी अदर रीजन्स। फिर मेरा दम घुटने लगा, यार इवेंट्स नहीं हो रहे, सिर्फ काम करूँ तो कैसे करूँ। फाइनली मैस्टेक छोड़ दिया, दूसरी एक दो कंपनी ज्वाइन की, लेकिन वहाँ पे भी सेम ऑलरेडी जर्नी। मैंने मैस्टेक छोड़ते छोड़ते मैंने बाकी स्टार्ट कर लिया था, डूइंग द वर्कशॉप्स ऑफ द थिएटर्स, देन गोइंग फॉर द ऑडिशंस, थोड़ा थोड़ा मैंने चालू किया था। तब तक मुझे दो बच्चे हो चुके थे, मेरे बच्चे बड़े होने लगे थे, उनका स्कूलिंग था, घर लिया था। अब एक जनरल नॉर्मल मिडिल इनकम पर्सन अगर जीता है तो EMI पे जीता है, तो एक बड़ा बड़ा मोड़ आ गया सामने कि क्या करूं अभी। एंड वो बहुत टफ पीरियड था कि क्या करूं, जॉब छोड़ू या ना छोड़ू। लेकिन वो जॉब में भी वो एक घुटन सी होती थी, यार क्या वही कर रहा हूं मैं, आई एम क्रिएटिव पर्सन, एक्टिंग करनी है यार, कुछ डांस करना है, कुछ परफॉर्म करना है, ये नहीं हो सकता मेरे से अभी। फाइनली आई हैव डिसाइडेड दैट नहीं बॉस, लीव योर ड्रीम, जिसमें मज़ा है वही काम करो, उसमें से दो पैसा कम मिले तो भी चलेगा, लेकिन काम करो। बैग लेके सुबह ऑफिस में जाते हैं वैसे बाहर निकलो, थोड़ा वर्कशॉप्स करके पहचान बढ़ा ली थी, जाओ ऑडिशन दो, नॉक नॉक, एनीथिंग इज़ देयर फॉर मी, सब कहीं पे भी ऐसे भी होता है, नहीं चल जा, कुछ भी नहीं है, चल निकल यहाँ से। एक साल गए, दो साल गए, घर पे आके वही जवाब कि नहीं अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बड़ा काम नहीं मिल रहा था, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई थी मेरी, एक वाइफ के एक के सैलरी पे सब कुछ चल रहा था। लेकिन हार नहीं मानी, मेहनत और की, कहाँ पे कम पड़ रहा हूँ क्या, हिंदी में काम करना है तो हिंदी कैसे बोली जाती है, हिंदी क्या, तो एक हिंदी थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया मैंने। तो वो बंदे ने, वो जो डायरेक्टर था, श्रीकांत जी उनका नाम है, प्राउडली लेना चाहूँगा उनका नाम, उनकी वजह से आज मैं हिंदी तो बोल पा रहा हूँ इतनी अच्छी। तो वो एक एडवांटेज मिला मुझे थिएटर की वजह से, इसलिए थिएटर अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी भी मेरा प्ले चालू है। अभी भी मुझे कोई बंदा बोले कि भाई ये महीने की सैलरी ले और तू सिर्फ थिएटर कर, मैं सिर्फ थिएटर करूँगा। अभी नाउ आई एम डूइंग गुड, तकरीबन 15 मराठी फिल्में की है मैंने, अराउंड 15 प्लस टेलीविजन एंड डिजिटल प्लस थिएटर एड्स की है मैंने, 4 हिंदी फिल्म्स, 4-5 वेब सीरीज़ की है मैंने, एंड वन स्टेप अहेड
because of my networking skills, which I learned in Mastek and other companies, I could do better job here as an executive producer plus casting director. I'm on Netflix, I'm on Disney Hotstar. और वेब सीरीजेस आ रही है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी है साथ में मेरे, और अभी एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर एंड नाउ ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, संजीव सत्यविजय दुरी।